के खिलाफ आज के बाद ये जो हमारा प्रताप सिम्हा, यत्रनाड, प्रमोद मुतालिक और सिटी रवि, ये चारों को हम खुला बोल रहे हैं। खुला क्यों छोड़े आप? हम कभी दिन हमारे त्योहारों में कभी दिन मंदिरों पे पत्थर नहीं मारे। हम ईद की नमाज लाखों की तादाद में पढ़ते हैं, हम बकरीद की और रमजान की। खास कर प्रताप सिम्हा पेट्रोल पंप पे पंप पेट्रोल लिए, वो करे ये करे, दाले मारे, कोई प्रूफ है प्रताप सिम्हा के पास? क्या माइनॉरिटी को डराने के लिए रखे हैं क्या कांग्रेस वाले? प्रमोद मुतालिक जो है, हम मुसलमानों को गद्दार विद्दार बोल रहा है। हम गद्दार होते तो देश की आज़ादी रमजान में नहीं होती थी। हम मुसलमान माइनॉरिटी और दलित मिलकर देश को आज़ाद करे स्वयं। तुम बीजेपी और बजरंग दल आरएसएस वालों का कोई योगदान नहीं है। कोई प्रूफ बताओ तुम्हारे संगठन से आज़ादी के लिए शहीद हुआ सो। हम मुसलमानों के तो हजारों नाम हैं और आज तक किताबों में हम भी पढ़कर ही बड़े हुए सोए। तुम लोगों का कोई योगदान नहीं है। बस हमको मालूम है तुम कितने हैं। तुम वही अंग्रेजों की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। देखेंगे तुम कब तक डिवाइड एंड रूल की कोशिश करेंगे। हम जिस तरीके से आज़ादी के लिए दलित और मुस्लिम लड़े थे, हम वैसे ही तुम लोगों को। मैं गुलबर्गा MSK मिल वार्ड नंबर 41 से आर्यन बाबा बात कर रहा हूँ, और मेरा सवाल कांग्रेस के तमाम लीडरों से और स्टेट की गवर्नमेंट से और हमारे माइनॉरिटी लीडरों से है। मेरा सवाल है कांग्रेस के तमाम लीडरों से कि माइनॉरिटी के वोट लेकर आप जीत कर क्या माइनॉरिटी को गालियां खाने के लिए रखें क्या स्टेट में? सुबह शाम देख रहे हैं हम प्रमोद सिम्हा, यत्नाल, प्रमोद मुतालिक, सीटी रवि, ये चार लोग क्या मुसलमानों को झुंझुना बनाए? जब दिल में आया जो आया बोल रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर माइनॉरिटी में कोई मुसलमान किसी के बारे में अगर बयान देता तो एक केस डालकर शाम में दिया तो सुबह तक उसको जो है ना तुम जेल में डालते थे। ये चार पांच लोग माइनॉरिटी को दिल में जब जो बोले वो बोल रहे हैं, तो ये आजाद क्यों फिर रहे हैं? क्या माइनॉरिटी को डराने के लिए रखे हैं क्या कांग्रेस वाले? क्या कांग्रेस वाले ही बोले हैं माइनॉरिटी को डराते रहो, तुम डराते रहो, तुम बोलते रहो? देखो बाबा, हम भी डरने वाले नहीं हैं। हम जो है ना लॉ की इज्जत करते हैं। लॉ जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, उस लॉ की इज्जत करते हैं हम भी। और जो है ना टीपू सुल्तान, हजरत हमारे टीपू सुल्तान के बारे में यत्नाड़ बोल रहे हैं, खुद हरामखोर है। हमारे टीपू सुल्तान को हरामखोर बोलता। अगर तेरे पास है दम तो आ मेरे को डायरेक्ट बात कर। खाली स्टेज पे 100 लोगों 1000 लोगों के पीछे ठहर के हमको भी बोलने आता, लेकिन हम दम रखते हैं अकेले भी बोलने का। माइनॉरिटी को जो दिल में आया बोल रहे हैं, ये चार लोगों के हमारे को जो है ना कांग्रेस पार्टी से शिकायत है, ये आजाद क्यों फिर रहे माइनॉरिटी को बोलने के बाद? बड़े लीडरों से, खास कर प्रताप सिम्हा पेट्रोल पंप पे पंप पेट्रोल लिए, वो करे ये करे, दाले मारे, कोई प्रूफ है प्रताप सिम्हा के पास? बोलने के लिए बहुत है। और एक आदमी अगर गलती करता है तो पूरी कौम को क्यों बदनाम कर रहा हो? अगर कोई हिंदू का आदमी कोई गलती करता है, पूरे हिंदू धर्म को हम बोले तो तुम चुप बैठते? क्या बोल के दिखा दे? हमारा मजहब नहीं सिखाता हमको? हम कभी दिन हमारे त्योहारों में कभी दिन मंदिरों पे पत्थर नहीं मारे। हम ईद की नमाज लाखों की तादाद में पढ़ते हैं, हम बकरीद की और रमजान की, कभी दिन कोई आज तक दंगा नहीं हुआ। तुम्हारी ही ईद आती ही तुम्हारी ही हब्बा में खास कर झगड़ा क्यों होता हमारे साथ? हमारे फेस्टिवल में एक भी झगड़ा बताओ। हम जब जो भी ईद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घरों को जाते हैं अपने अपने लोगों को मिलने के लिए। आप होली खेले, मस्जिद पे रंग, आपकी यात्रा निकली, मस्जिद पे फतरे, शुरू आप करे सो ही है और माइनॉरिटी को बोलते रहते। अब हमारा कांग्रेस के तमाम लीडरों से, गुलबर्गा के खास करके प्रियंक खरके साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, हमारे मैडम कनीज फातिमा मैडम, और हमारे आलम प्रभु साहब, और हमारे MP साहब राधा कृष्णा साहब, आप क्या गुलबर्गे में अमन शांति चाहते हैं क्या? नहीं, मेरा सवाल है आपसे। तो इसीलिए हमारी गुजारिश है हमारे लीडरों से,
हम माइनॉरिटी को आराम से रहने दो, हम कमा कर खाने वाले आदमी हैं, खाने दो। एक आदमी गलती करा तो पूरी माइनॉरिटी को, पूरे कौम को गिन रहे, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास रिक्शा चलाने वाला भी बर्दाश्त नहीं करता, पंचर बनाने वाला भी बर्दाश्त नहीं करता, और हमारे आदमी को पंचर बनाने वाले को मुंह सीने भी आता, जो बोल रहा ना उसका मुंह भी सीता हमारा पंचर वाला, या तो फिर सिलेशन लगा के चिपकाते। इतना याद रखो, माइनॉरिटी के खिलाफ आज के बाद ये जो हमारा प्रताप सिम्हा, यत्नाड, प्रमोद मुतालिक और सिटी रवि, ये चारों को हम खुला बोल रहे। खुला क्यों छोड़े आप कांग्रेस वाले? बस हमारी रिक्वेस्ट तो नहीं बोलते हम, रिक्वेस्ट कब बोलते? बोले तो आदमी कुछ अच्छा सोच रहा, जीना चाह रहा तो अच्छा सोचता और बोलता। अब हमारे को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपकी मर्जी, माइनॉरिटी के वोट लिए आप, माइनॉरिटी के लिए क्या सिक्योरिटी कर रहे क्या नहीं, कोई भी आ रहा आइल फाइल बोल रहा जा रहा, बोले तो हमको भी बर्दाश्त नहीं होता।